LTS में, और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लाल बटन है और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे जो है हमारी ईमेल आईडी अपडेटेड है। जो लोग किसी कारणवश कमेंट में अपनी व्यक्तिगत बातें नहीं शेयर कर पाते, जैसे कि बहुत सारे शेयर्स लिए होंगे, बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा होगा, या कुछ पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हों, तो देखिए आने को तो बहुत सारे मेल आ सकते हैं मुझे, और जब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी डालता हूँ तो कई मुझे मेल प्राप्त हुए हैं। तो समय निकाल कर मैं अधिकतम लोगों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। तो इस वजह से अब यहाँ पे मेल आईडी अपडेट की है। अगर कोई भी क्वेरीज हो पोर्टफोलियो से रिलेटेड, या कुछ ऐसा आप सुझाव चाह रहे हो जो आप कमेंट बॉक्स में, पहले तो बात तो वहाँ पे मेंशन करें, क्योंकि एक कमेंट बॉक्स में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके कोई बात का जवाब देना है तो बहुत लोगों को हो सकता है कि वो चीज़ पूछ नहीं रही हो, तो उनको भी साथ ही साथ आंसर मिल जाता है। तो ज़रूर अगर कुछ ऐसा लगे तो ज़रूर मेल आईडी कीजिएगा। थैंक यू। एंड बढ़ते हैं आगे की ओर। आज का जो स्टॉक है ITC लिमिटेड पे हम बात करेंगे, वो इसलिए बात करेंगे कि कुछ चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या कुछ अच्छी कंपनियां। FMCG की नंबर वन कंपनी है तो बिल्कुल भी हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। कैपिटल वाइज बहुत बड़ी है, दिग्गज कंपनी है भारत की। ऐसी लार्ज कैप कंपनियाँ जो है अपने उद्योग को, इतने लोगों को रोज़गार दे रखा है, भारत की जो ग्रोथ है निर्भरता इन्हीं कंपनियों पे है। तो बात करते हैं, पहले हम NSE इंडिया के साइट पे हैं और कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि उसमें गिरावट है। ITC लिमिटेड, और यानी कि कल की जो क्लोजिंग थी 241 पे, ओपन हुआ 242 पे, हाई बनाया इसने 246, लेकिन लो बनाया 239। और अभी जो ट्रेड कर रहा है भाव, आज 22 अगस्त है 2019 है, 2:31 है, यानी मार्केट बंद होने के करीब ही है, 3 बजने वाले हैं, और 241 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा है। और उसी हिसाब से अगर हम ऑर्डर बुक में देख लेते हैं तो सेलिंग क्वांटिटी जो है 46,20,000 समथिंग है यहाँ पे आंकड़े, और बाइंग क्वांटिटी 9,00,000 समथिंग है। तो जाहिर सी बात है कि बिकवाली काफ़ी है इस कंपनी के स्टॉक में, और जो वॉल्यूम ट्रेडिंग हुई है वो 86,00,000 समथिंग हुई है, और इसने आज अपने साल का लो बनाया है, यानी 239 का नया लो बना दिया है, और हाई था इसका जो साल का 322। कब था? 3 सितंबर 2018 को 322 के भाव पे ट्रेड हो रहा था, और आज की डेट 22 अगस्त 2019 पे इसने नया लो बनाया है। तो इतनी बड़ी कंपनी इतनी भयानक टूट गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा टूटी नहीं है कि भाई कोई माइक्रो कैप कंपनी नहीं है कि वो आधी हो गई है। 300 के भाव से ही अभी कुछ दिन पहले ट्रेड करा, 300 के आसपास। तो एक सुनहरा अवसर इसे हम समझते हुए, जैसे कि अभी हम मान लीजिए जिस प्रकार से मार्केट में भयानक तबाही चल रही है, जिसे हम तबाही कहेंगे, लगातार नीचे ही जा रही भाई, तो ऐसे में हमें लार्ज कैप कंपनियों के भरोसे ही रहना पड़ेगा अगर हम इस समय इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो कुछ ऐसी कंपनियां जो हीरे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिन पे भयानक तबाही के बावजूद भी थोड़ी सी गिरावट आती है, लेकिन FMCG में इसी कंपनी में ज़्यादा गिरावट है। जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड या फिर ब्रिटानिया में भी काफ़ी, हालांकि ब्रिटानिया भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें आज के दिन में जो है ग्रीन के निशान पे था, और HUL भी अपना हाई बनाया। तो इस तरीके से ITC जो सेक्टर में हमें अच्छी दिग्गज कंपनियां हो लार्ज कैप की, और उनमें अगर कोई हमें टूटी हुई मिलती है तो उसमें घुसने का समय होता है। लेकिन कौन सा समय होता है ये हमें भी देखने वाली बात है। अदरवाइज़ अगर नहीं आप देख सकते, नहीं जान सकते, तो आप एक स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं कि भाई 240 पे मान लीजिए ट्रेड कर रहा है, तो इस पे अगर मैं अनुमानतः लगाता हूँ कि 220 और 240 के बीच में कोई भी प्राइस है, आपको भरने का समय है। ये जब भी बाउंस बैक करेगा तो फटाफट आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगा, और ये 240 के भाव पे भी थोड़ा ले सकते हैं, अगर और नीचे जाता है तो और ले सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, लो रिस्क है और हाई रिटर्न है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ITC पे आँख मूंद कर खरीदने वाली बात है। बेसिक चीज़ें और मैं देख लेता हूँ और फिर हम कंपेयर भी करेंगे स्टॉक पे, और अगर हम स्टैंड अलोन पे देखते हैं तो मार्केट कैप रहेगी कि 2,96,124 करोड़ की, EPS है 10.44, यानी पी रेशियो इस हिसाब से 23 का है, जबकि इंडस्ट्री पी भी करीब करीब यही आसपास है,
बुक वैल्यू 45 की और शानदार डिविडेंड पे करता है। प्राइस टू बुक है 5.29 की, फेस वैल्यू 1 रुपये की है और 66% के आसपास डिलीवरी है इसकी। अब कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है वो है 34% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गई इस हिसाब से 22 पॉइंट से ज़्यादा की, सेल्स ग्रोथ है 7.25% की और स्टॉक भी हम देख ही चुके हैं, मार्केट कैप भी देख चुके हैं। अगर हम देखें इनके कुछ वर्षों की जो है नेट सेल्स की जो ग्रोथ है, तो देखिए यहाँ पे 2008 से लेके 2019 तक है प्रत्येक वर्ष के, तो नेट सेल्स में देखिए कंसिस्टेंसी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक लार्ज कैप कंपनी होते हुए, इतना बड़ा साम्राज्य संभालते हुए और डाइवर्सिफाइड कंपनी है, इनका जो मेन टॉप सेगमेंट है वो सिगरेट से है, दूसरे फिर खाने पीने की चीज़ें, आशीर्वाद आटा, बिस्किट्स, परफ्यूम्स, स्टेशनरी के अगरबत्ती, बहुत सारी चीज़ें बनाती है। और इस कंपनी की यही कोशिश है कि जो सिगरेट का इसका सेगमेंट है वो तो चलता ही रहे, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा नॉर्म्स आ जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत सारे टैक्सेस भी लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं, तो इसलिए सरकार थोड़ा सा समय दर समय उस पर कुछ अनाउंसमेंट कर ही देती है टैक्सेस वगैरह। तो इस लिहाज से अब ये खाने पीने की चीज़ों पे या और भी जो घरेलू उत्पाद हैं उन पे फोकस कर रही है। जिस दिन ये सेगमेंट इनका उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगा, इस कंपनी को पकड़ना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, मतलब भयानक पैसा बना के देगी। और सेल्स ग्रोथ में लगातार कंसिस्टेंसी है इसमें, है ना। और इसी प्रकार अगर नेट प्रॉफिट में भी देखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए लगातार जो है ग्रोथ है, कहीं कम हो गया, जैसे कि हाँ लगातार अभी कंसिस्टेंट ग्रोथ है। जैसे कुछ वर्षों में यहाँ पे जो है 2015 में जो 9663 थी, तो यहाँ पे 9300 हो गए 2016 में, तो इस तरीके से कुछ वर्षों में आगे पीछे हो गई हैं, लेकिन बाकी हम देख चुके हैं। और अब हम बात करते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है ऐसे हम क्या करें, पहले रिटर्न देख लेते हैं। देखिए रिटर्न वाइज अगर हम चलते हैं, यहाँ से शुरुआत है 12 जून 2009 से, अगर 10 वर्षों पहले है 12 जून और जून जुलाई अगस्त से, अगर हम करीब करीब 10 वर्षों के आंकड़ों में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और ITC में कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों कंपनियों में अगर आपने पैसे डाले होते आज से 10 वर्ष पूर्व जिस डेट को मैंने बताया अभी, और आज की डेट में आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिल रहा होता, तो देख लीजिए अपनी आंखों से। अगर आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लिया हुआ है तो 689 यानी 690 या 700% के आसपास के आपको रिटर्न मिल रहे हैं, जबकि ITC में 287 यानी कि 125% के आसपास के, इतने गिरने के बाद भी रिटर्न मिले, मतलब 300% के आसपास आप मान के चलिए। तो भी लार्ज कैप कंपनी आपको 10 साल के करीब में अगर 300% दे रही है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, लो रिस्क हाई रिटर्न है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अभी तो ITC ने परफॉर्म नहीं किया, जैसे कि मैंने बताया, उसका रीज़न भी बताया मैंने कि जो टॉप सेगमेंट्स में है इनके बहुत सारे होटल भी हैं और बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, इनके एग्रीकल्चर्स में भी हैं, आशीर्वाद आटा बनाते हैं, अनाज भी पैदा करवाते हैं, इनके काफ़ी अच्छे सुपरवाइज़र हैं जो पूरा देख रेख करके अन्न वगैरह उपजाऊ करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाने वाली ITC कंपनी, और अगर हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं ITC कंपनी के बारे में, जान भी लेते हैं प्रोडक्ट वाइज, अगर हम गूगल करेंगे तो इस तरीके से आ जाती है ITC लिमिटेड। हाँ, अबाउट ITC अगर हम चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है, माफ करिएगा, यहाँ पे ITC लिमिटेड यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल्स इन्होंने लगा रखी है यहाँ पे, लेकिन हम इनके ब्रांड्स पे चलते हैं सबसे पहले, ब्रांड्स किस प्रकार के हैं, और बेसिक ब्रांड जानना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए अगर आप कोई शेयर लेना चाहते हैं तो आप उनके बारे में बखूबी जानें। आटा
घर घर बिकता है, आप लोग भी खाते होंगे, प्रीमियम क्वालिटी का रहता है, बिस्किट्स रहता है, बिंगो के जो चिप्स हैं, इस प्रकार से किचन ऑफ इंडिया रेडी टू ईट मसाला मिक्सेस चटनी वगैरह, और नूडल्स पे हैं, फ्रूट जूसेस टेट्रा पैक फ्रूट जूसेस पे हैं, मिंटोस टॉफ़ी वगैरह, माउथ फ्रेशर कैंडी मैन गमन एंड केक्स वगैरह, जो बेकरी के आइटम्स भी हैं, सनबीम वंडर्स मिल्क पैक्ड मिल्क आईटीसी मास्टर शेफ, इस प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स ड्योड्रेंट्स है ना, फियामा व्हील्स पाउडर्स टेलकम पाउडर्स बाथिंग सोप, और इस प्रकार सेवलॉन और चार्म्स क्रीम विल्स लाइफस्टाइल क्लॉथिंग और स्टेशनरी के ये सारे सामान, मैच बॉक्सेस अगरबत्ती वगैरह इत्यादि इत्यादि बनाती है। तो प्रोडक्ट्स आपने देख लिया, कंपनी के बारे में आप समझ गए होंगे कि आप भी इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों बस यही कहूँगा कि जो ये समय है आपको सोचने विचारने का समय, हालांकि मैं पिछले कई दिनों से, पिछली दफ़ा भी जब मैंने आईटीसी बनाया था तो भी मैंने यही कहा था कि आप हर गिरावट में बाइंग करेंगे और मिड कैप या स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनियों से थोड़ा सा इस समय बचे, हालांकि उनमें भी पोटेंशियल ज़्यादा रहता है कि अभी बहुत ज़्यादा वो कम हो गई होंगी, अगर उनमें अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बाउंस बैक सबसे तेज़ से भागती हैं, तो उनमें ज़्यादा पैसा बनाने के चांसेस होते हैं। लेकिन रिस्क क्यों लेना, आपको रिस्क क्यों लेना चाहिए, जब बड़ी कंपनी हमें नीचे काफ़ी टूटी हुई मिल रही है तो हमें इस पर क्यों ना ख़रीदें ऐसे स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स मैं यहीं पर वीडियो वाइंड अप करूँगा, ये कोई बाइंग कॉल नहीं थी मेरी तरफ से, मैं एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा था आपको, और आप खुद समझदार हैं, आप भी मार्केट में स्टॉक्स खरीदते हैं, इस कंपनी के बारे में जानते हैं, मैंने बेसिक प्रोडक्ट्स भी दिखा दिए, जिनको नहीं पता था उनको अनुमान हो जाए। तो मैं यहीं पे वीडियो वाइंड अप करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।